हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर टू अध्याय दो, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और पिछली बारी वीडियो में बच्चों हमने किया था एनसीईआरटी का रिव्यू इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। अब वक्त है बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करने का। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन, प्रश्न संख्या एक, व्हाट इज मीन्ड बाय ए सब्सटेंस, यानी पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो सब्सटेंस आर दोस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल द मैटर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस आर ऑफ सेम केमिकल नेचर सच एज गोल्ड कॉपर एट्सेट्रा, यानी पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। यानी पदार्थ कैसे हैं, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सोना और तांबा। बच्चों यही इसका आंसर बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी सामांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच में अंतर बताइए बच्चों। तो सामांगी यह लिख दिया बच्चों हमने, विषमांगी यहाँ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। पहला है, इट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी इसका एक समान संगठन होता है। और इधर क्या देखने को मिलता है, इट हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी इसका एक समान संगठन नहीं होता बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देयर आर नो क्लियर सेपरेटिंग बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, वाटर इन अल्कोहल, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, यानी इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट अलग करने वाली सीमाएँ नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, अल्कोहल में जल, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर आदि। यानी इट हैज़, और इसमें हेट्रोजीनियस की बात करें बच्चों, यानी विषमांगी की अगर बात करें, इट हैज़ क्लियर सेपरेशन बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल ऑयल, वाटर, शुगर एंड वाटर, सैंड एंड सॉल्ट एट्सेट्रा, यानी इसके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट प्रतिकरण सीमाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू तथा नमक आदि। फिर क्या आता है बच्चों आपका तीसरा जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर में यानी सामांगी में, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल कंपोनेंट्स इजीली, यानी इसके अवयवों को आसानी से देख पाना संभव नहीं है। इट्स कंपोनेंट कैन ऑफन बी सीन, यानी इसके अवयवों को प्रायः देखा जा सकता है बच्चों। तो बच्चों यही इसका आंसर है बच्चों। आपके दो क्वेश्चन दिए हुए बच्चों, दोनों के आंसर्स आपको इसी यही लिखने हैं और यही इसके आंसर्स हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। थैंक यू।